हेलो गाइस, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2023 क्वालिफायर 1 जो कि चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। इस मुकाबले के लिए ड्रीम 11 में किसे आज कप्तान बनाना है, कौन सा वाइस कैप्टन हमें चूज करना है, वहीं बात करेंगे कि आज कौन से खिलाड़ी को हमें भूलकर भी टीम में नहीं रखना है, वहीं खिलाड़ियों के रिकॉर्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं, हेड टू हेड मुकाबले की बात करेंगे, वहीं मैच प्रेडिक्शन, पिच रिपोर्ट कैसी है, कौन सा खिलाड़ी ज्यादा विकेट लेने वाला है, सारी चीजें डिटेल में क्लियर करूंगा। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो में शुरू करते हैं। बात करें क्वालिफायर 1 जो कि चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच चेन्नई के चेपॉक में खेला जाएगा। हेड टू हेड मुकाबलों की बात करें तो यहां गुजरात टाइटंस 3-0 की लीड लेकर आई है। गाइस, वहीं बात करें इस मुकाबले के लिए चेन्नई के चेपॉक में ये मुकाबला खेला जाएगा, तो क्या महेंद्र सिंह धोनी का ये आईपीएल में अपने घरेलू मैदान पर अंतिम मुकाबला होगा? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। सो गाइस, सबसे पहले बात करें इस मुकाबले के लिए पिच रिपोर्ट की, तो इस मुकाबले के लिए वही पिच काम में ली जाएगी जहां पर पिछले मुकाबले में 200 रन चेस हुए थे। तो देखा जाए तो इस मुकाबले में काफी हाई वोल्टेज रन हमें देखने को मिलने वाले हैं, कम से कम 180-185 रन से या इससे ज्यादा भी रन आज देखने को मिलने वाले हैं। चलिए गाइस, बात करें किसी भी ड्रीम 11 चुनने से पहले आपको दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 का अंदाजा होना चाहिए कि इस पिच पर कौन सी प्लेइंग 11 होने वाली है। आइए फटाफट से एक नजर डालते हैं चेन्नई सुपर किंग्स प्लेइंग 11 पर। ऋतुराज गायकवाड़, डेवन कॉनवे, अजिंक्य रहाणे, अंबाती रायडू, शिवम दुबे, मोइन अली, रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी, दीपक चाहर, तुषार देशपांडे, महेश दीक्षण और इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में मतीशा पति राणा। वहीं बात करें गुजरात टाइटंस की तो रिद्धिमान शाह, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, विजय शंकर को इस मुकाबले में फिर से मौका मिलने वाला है। डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, नूर अहमद, मोहम्मद शमी, मोहित शर्मा, यश तैयार और इंपैक्ट प्लेयर के रूप में जोशुआ लिटल या तशुन शनका में से कोई एक होगा। चलिए गाइस, आइए एक नजर डालते हैं आज के मुकाबले की ड्रीम 11 की। चलिए गाइस, सबसे पहले बात करें विकेट कीपर्स की, तो यहाँ पर विकेट कीपर्स में से आपको डेवन कॉनवे को सेलेक्ट करना है। वहीं रिद्धिमान शाह आज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बहुत ही बढ़िया कैमियो खेलने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार ये पावर प्ले में बल्लेबाजी करते हैं ये पिच इनको काफी सूट करने वाला है। और फ्रेंड्स, वहीं बात करें बैटर्स की तो आप शुभमन गिल को टीम में रखने वाले हैं, वहीं ऋतुराज गायकवाड़ को भी आप टीम में चुन सकते हैं, वहीं अजिंक्य रहाणे मुझे नहीं लगता कि आज इस मुकाबले में कुछ खास कमाल कर पाएंगे, वहीं शिवम दुबे जो कि सिक्स हिटिंग मशीन है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आज एक बार फिर वो काफी अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं। और मुझे लगता है कि इस मुकाबले में कहीं ना कहीं अगर गुजरात टाइटंस पहले बल्लेबाजी करती हैं तो डेविड मिलर के बल्ले से जबरदस्त कैमियो आज देखने को मिल सकती हैं। बैटर्स की हम यहाँ बात करें तो ऋतुराज गायकवाड़ हो गए, शुभमन गिल हो गए, शिवम दुबे हो गए और डेविड मिलर हो गए। वहीं बात करें ऑलराउंडर्स की तो आज रविंद्र जडेजा को टीम में रख सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार का ये पीछे काफी इनको सूट करने वाला है, बल्लेबाजी की काफी अच्छी करते हैं। वहीं बात करें हार्दिक पांड्या भी आपके सामने एक चॉइस होगा, लेकिन मैं आज हार्दिक पांड्या को टीम में नहीं रखना चाहूंगा, इनकी जगह मैं आज मोइन अली पर काफी बड़ा रिस्क लेने वाला हूं, क्योंकि जिस प्रकार की ये पिच है मोइन अली यहां पर विकेट चटका सकते हैं। वहीं बात करें बॉलर्स की तो हम यहां पर 8 खिलाड़ियों को चॉइस कर चुके हैं, अब यहां से हमें 3 खिलाड़ी और लेने हैं। यहां पर राशिद खान, मोहम्मद शमी, दीपक चाहर, मोहित शर्मा, तुषार देशपांडे आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो। दोस्तों, इनको आप किसी न किसी 3 खिलाड़ी को चॉइस करने वाले हैं, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर चॉइस करने वाला हूँ राशिद खान को। वहीं नूर अहमद जो कि काफ़ी एक्स फैक्टर आज होने वाले हैं, जिस प्रकार की ये गेंदबाजी है पिच इनको काफ़ी सूट करने वाला है, तो मैं आज इनको चॉइस करने वाला हूँ। वहीं महेश पथिराना या महेश दीक्षणा में से किसी एक को आप चॉइस करने वाले हैं, तो मैं आज चॉइस करने वाला हूं महेश तीक्षणा को। आप मोहित शर्मा को भी टीम में रखकर बहुत ही बड़ा रिस्क ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इस मुकाबले में जो भी रिस्क लेगा वो काफ़ी बड़ा एडवांटेज होने वाला है दोस्तों। वहीं बात करें कैप्टन की तो आज मेरे कैप्टन होने वाले हैं राशिद खान, जिस प्रकार की ये गेंदबाजी करते हैं बल्लेबाजी तो माशाल्लाह कर ही रहे हैं, तो आज मैं इनको कैप्टन बनाने वाला हूँ। वहीं बात करें वाइस कैप्टन की तो आज मैं शुभमन गिल को अपना वाइस कैप्टन नहीं बना रहा हूँ, मैं आज वाइस कैप्टन बनाने वाला हूँ ऋतुराज गायकवाड़ को। सो गाइज, ये अपनी आज की ड्रीम 11 होने वाली है। आपके अकॉर्डिंग किसे कैप्टन बनाना चाहिए, किसे वाइस कैप्टन बनाना चाहिए, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। वहीं इस मुकाबले की मैच प्रेडिक्शन की मैं बात करूं दोस्तों, तो आज का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स जीतने वाली है, क्योंकि होम ग्राउंड का काफी एडवांटेज रहना है। यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग्स को हराना काफी मुश्किल रहेगा गुजरात टाइटन्स के लिए। वहीं जिस प्रकार की पिछले मुकाबले में गुजरात टाइटन्स ने प्रदर्शन किया है आरसीबी के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं गुजरात टाइटंस को हराने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के लिए काफी चुनौतीपूर्ण ये होने वाला है। आपके अकॉर्डिंग कौन सी टीम जीतने वाली है आज का मुकाबला, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय जवाहर।